हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यानी कैसे क्या है मंडली, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं कुछ एक न्यू प्रोडक्ट्स के साथ जो कि मुझे स्टीलबर्ड ने भेजा था। करंटली कोरोना का बहुत ज़्यादा क्राइसिस चालू, इवन मेरा खुद की फैमिली भी कोरोना के साथ सफ़र कर चुकी है, तो उसके वजह से मुझे ऐसे लगा कि ये एक जो चीज़ है वो आपके साथ ज़रूर डेफिनेटली शेयर करना बनता है। सो दोस्तों, आज जो न्यू प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है फ्रॉम द हाउस ऑफ स्टीलबर्ड। ये है फेस शील्ड फ्रॉम स्टीलबर्ड। नाउ इसका जो प्राइसिंग है और बाकी सो भी डिटेल्स है वो सब कुछ आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप डेफिनेटली इसको अगर परचेस करना है तो कर सकते हो और इसकी जो प्राइस है वो आप जान सकते हो। सो अभी प्रोडक्ट के बारे में अगर बताओ तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली हमेशा मैं डॉक्टर के पास जब भी जाता हूँ तो हर एक डॉक्टर ये पहना हुआ मुझे दिखता था, सम काइंड ऑफ अ प्लास्टिक प्रोटेक्शन टू हिज फेस, जिससे जो कोरोना के मे बी वायरस जो उसके फेस के ऊपर आ सकते हैं फ्रॉम द क्लाइंट, तो उससे बचने के लिए जो भी डॉक्टर्स लोग हैं वो ये पहनते हैं। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई जगह पे हमको जाना है, मतलब कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर जाता है, तो हम लोग एक नॉर्मल सा अपना मास्क पहनते हैं और निकल जाते हैं। बट जस्ट इमेजिन इफ़ यू हैव दिस कम्प्लीट प्रोटेक्शन जिससे आपका हाथ बिल्कुल भी आपके जो कम्प्लीट फेस है उसको टच नहीं कर पाएगा। अभी ऑलरेडी स्टडी में ये जो चीज़ है ये प्रूव हो चुकी है कि हम में से लगभग 80-90% जो लोग हैं उनको अपने फेस को टच करने की आदत रहती है और उसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो सकता है। एंड ऑल्सो बाई चांस अगर आप किसी पर्सन के कॉन्टैक्ट में आ रहे हो कि जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो उससे जो आपको ट्रांसमिशन होने वाला है वो काफ़ी हद तक इससे बच सकता है। सो ये चीज़ डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगा। जो जो लोग बाहर जाते हैं, मतलब मार्केट में जाते हैं, स्पेशली वेजिटेबल मार्केट, फिश मार्केट या फिर कोई भी ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा गर्दी, बहुत ज़्यादा लोग आपके नज़दीक आते हैं, सो वेयर दिस एज अ प्रिकॉशन एंड ऑल्सो योर मास्क। आई गेस दीज टू थिंग्स विल डेफिनेटली विल हेल्प यू कि आपको जो इन्फेक्शन है वो नहीं होगा। ये जो है ये एक्चुअली आपका जो हेलमेट के ऊपर जो वाइजर्स आता है वो क्वालिटी का बना हुआ है, एक्चुअली हेलमेट का वाइजर ही है एंड उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्क्रैचेस नहीं आएगा। जो क्वालिटी है वो बहुत सही है एंड इसके थ्रू जब भी आप देखते हो किसी चीज़ को तो वो आपको बहुत ज़्यादा अलग से नहीं दिखाई देता, जो कि आपको नॉर्मल से जो शीट रहता है प्लास्टिक का उसमें से दिखता है। प्रोडक्ट के साथ आपको एक्चुअली स्पीकर्स भी मिलते हैं और उसके साथ एक ऑक्स केबल भी आता है जिसको आपको कनेक्ट करना है फ्रॉम हियर एंड वहाँ से आपके सीधा फ़ोन के हेडफोन जैक में जाएगा एंड देन आपको कोई भी फ़ोन भी उठाना है तो यहाँ पर एक बटन है दिस वन, इससे आप फ़ोन उठा सकते हो सो दैट आपका जो फ़ोन है वो भी बार बार आपकी जेब से बाहर नहीं आता रहेगा। मीन्स जो इन्फेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा सेफ रहोगे, आपका फ़ोन भी निकालना नहीं है, जस्ट यहाँ से ही फ़ोन और कॉल जो है वो पिकअप करना है, ड्रॉप करने हैं। आज का डे एंड एज अगर देखा जाए जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है अपने इंडिया में, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम सबको, आपको भी और मुझे भी। सो दैट्स व्हाई मैंने ये लिया था, तो सोचा कि यार आपके साथ भी एक बार शेयर कर लूँ। एंड यस, वन मोर थिंग मुझे आपको कोरोना रिलेटेड बताना था, जो सैनिटाइजर्स आते हैं गाइस, सैनिटाइजर्स भी बहुत बड़ा इशू है करंटली। एक स्टडी में पाया गया था कि लगभग 40-45% ऑफ सैनिटाइजर्स जो है वो लो क्वालिटी के है, जिसमें ज़्यादातर के अल्कोहल का या फिर इथेन अल्कोहल का कोई मिक्सचर नहीं रहता है एंड जस्ट सोप बेस्ड रहते हैं और उसके वजह से आपके जो लाइक हैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा केमिकल की वजह से एक स्किन निकल रही है। मेरी तो मतलब बहुत बार निकल चुकी है, अभी भी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत है, आई डोंट थिंक यू आर एबल टू सी इट, बट यस स्किन निकलती थी तो उसकी वजह से यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान था अबाउट सैनिटाइजर्स एज वेल। मैंने बहुत सारे सैनिटाइजर्स यूज़ किए, लेट मी शो यू इनसाइड द हाउस, आई थिंक कि मैं सीधा आपको दिखा दूँ तो ही आप ज़्यादा मेरे पे ऊपर ट्रस्ट कर पाओगे। या ओके, सो ये है मेरे सैनिटाइजर्स की बॉटल्स, लाइक ये स्प्रे वाली है एंड ये गन वाली है। सो इन दोनों को भी मैं यूज़ करता हूँ जब भी कोई भी न्यू प्रोडक्ट या फिर न्यू चीज़ जो आती है। और ये है मेरा क्वारंटाइन काइंड ऑफ चेयर एंड ये जो चीज़ें हैं ये सब वो चीज़ें हैं कि जो 6 दिन से ज़्यादा नहीं हुए हैं मेरे घर में आने के बाद एंड इवन आफ्टर 6 डेज मैं इनको डेफिनेटली सैनिटाइज करता हूँ और उसके बाद ही यूज़ करता हूँ। ये बैग है जो मैं अभी संडे को लेके गया था बाहर, सो दैट्स वाई वो यहाँ पे है एंड ये सब है सैनिटाइजर्स। सो मैं किसी ब्रांड को एक्चुअली ख़राब नहीं बोलना चाहूँगा बट ये जो है ये एक बहुत ही लोकल सा था, कर अराउंड आई गेस 800 रुपीज़ का मैंने ख़रीदा था, 800 और 850 रुपीज़। बहुत ही गंदा स्मेल है इसका एंड अगेन जो हाथ में जो आपको स्किन निकलता है वो बहुत ज़्यादा है। फिर उसकी वजह से मैं थोड़ा सा रिसर्च करके अच्छा वाला एक लिया था, वो था ये, यस दिस वन। तो ये वाला ठीक ठाक था, स्टिल नॉट एज गुड बट इसका एटलीस्ट जो स्मेल था वो बहुत सही था, स्किन तो निकल रही थी हाथ की बट स्मेल जो था वो सही से था, तो दैट्स व्हाई इट वाज ओके। इससे एक्चुअली मुझे सर्दी होती थी। नाउ
दिस इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये है लियो फ्रेश का इंस्टेंट अल्कोहल हैंड रब. और लेट मी शो यू द कंटेंट. सो यहाँ पे है सबके सब कंटेंट्स, आप देख सकते हो. दिस इज इथेन अल्कोहल, देन ग्लिसरॉल, देन एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, डीएम वाटर, आई डोंट नो फ्रेग्रेंस. ये सब जो चीज़ें हैं ये इसमें डाली गई है. सो ये जो है इसका प्राइस है अराउंड 2500 रुपीज़ फॉर द 5 लीटर्स. इसके छोटे छोटे पैक्स भी आते हैं जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दिखाई दूंगा. एंड ये यूज़ करने के बाद अभी लाइक मेरे जो हाथ है वो बिल्कुल भी लाइक फटते नहीं है. एंड स्पेशली इसका जो स्मेल है गाइस वो बहुत सही है, मतलब अच्छे से फ्रेग्रेंट वाला स्मेल है. तो दोस्तों अभी जैसे कि आपने ये लियो फ्रेश का एक सैनिटाइजर देखा जो कि बहुत सही काम कर रहा है मेरे लिए तो एटलीस्ट. एंड यही सेम चीज़ मुझे लगता है कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़िशियंट रहेगा क्योंकि इसके जो इथेनॉल और अल्कोहल का परसेंटेज है वो बहुत सही है. एंड आपके हाथ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है. आपके हाथ डेफिनेटली लाइक मुलायम तो नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ आपके हाथ की जो स्किन निकल रही थी बाकी के सैनिटाइजर्स यूज़ करके वो नहीं होगा. एंड मोर ओवर इसका जो स्मेल है वो भी काफ़ी अच्छा है. मार्केट में जो कुछ सैनिटाइजर्स है उसके स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे आती है जिसकी वजह से मे भी आपको सर्दी भी हो सकती है. वो मैंने एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सैनिटाइजर्स है. सो दैट्स वाई गाइज अगर आपको ये लियो फ्रेश का अगर सैनिटाइजर्स ऑर्डर करना है तो ये है मोबाइल नंबर, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो. प्राइजेस भी मैं अभी जस्ट डिस्प्ले कर देता हूँ कि यार कौन सा कितने का है. काफ़ी ज़्यादा आई थिंक अट्रैक्टिव प्राइजेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है क्योंकि इसमें इतना सारा अल्कोहल और ये सब एडेड है तो इसकी वजह से ज़्यादा महंगा भी नहीं है. एकदम प्रॉपर प्राइजिंग तो मुझे बहुत सही लगा बॉस. और इसमें लाइक मेरा कुछ भी लाइक प्रमोशनल मतलब मिलता है ऐसा पैसे, यार कम ऑन अपन बाइकर लोग अपने को सैनिटाइजर प्रमोट करने का कौन बोलेगा, राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो दैट सिट फॉर टूडेज वीडियो गाइज. मुझे ऐसे लगा कि यार ये जो दो सेफ्टी की चीज़ें हैं ये मैं आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड गाइज ऑलवेज वेयर अ मास्क क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ यार विदाउट मास्क बाहर घूमते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, विच इज़ नॉट गुड. सो ये जो है इसका प्राइस है अराउंड 2500 रुपीज़ फॉर द 5 लीटर्स. इसके छोटे छोटे पैक्स भी आते हैं जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दिखाई दूंगा. एंड ये यूज़ करने के बाद अभी लाइक मेरे जो हाथ है वो बिल्कुल भी लाइक फटते नहीं है. एंड स्पेशली इसका जो स्मेल है गाइस वो बहुत सही है, मतलब अच्छे से फ्रेग्रेंट वाला स्मेल है.